वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेस। ऑनलाइन मस्त क्लासेस की इस लेटेस्ट वीडियोज़ में हम आप सबको आज की इस वीडियोज़ में SST सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराने वाले हैं, जो कि 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें और जो लोग भी देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, कल का जो सवाल था कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इस प्रश्न का जो है जवाब हमारे पास आया है उसमें अरमान अंसारी ने राइट आंसर भेजा था। तो अरमान अंसारी को ऑनलाइन मस्त क्लासेज आपका शुक्रिया अदा करना चाहता है। ठीक है, तो आज हम आप लोग को सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोशल साइंस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके चलते उनका ना नंबर बहुत ही कम होता है। तो आइए, हम आपके टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, फटाफट कमेंट में आप लोग कमेंट के जरिए बताएंगे। पहला क्वेश्चन है कि मेजनी नेटर 34 में किस संस्था की स्थापना की। बहुत अच्छा प्रश्न है, 50+ प्रश्न पूछने वाले हैं। तो देखिए, इस संस्था पूछा है ना किस संस्था का स्थापना की, इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, यंग यूरोप। जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, VVI है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मेजनी, काबुर, गैरिबाल्डी और बिस्मार्क है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए, लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया, इस प्रश्न का बिल्कुल सटीक राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गैरिबाल्डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, है ना। एक एक प्रश्न आपके बोर्ड मॉडल है, ये सब आपका है ना क्वेश्चन बैंक वाला प्रश्न है, यही सब लड़ेगा एकदम। भारत में जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की। बहुत अच्छा प्रश्न, राजा राम मोहन राय, टीपू सुल्तान, गांधी जी, हैदर अली। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। 3 का भी बिल्कुल सही जवाब है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, सभी लोग देखिए दोस्तों, आप लोग लाइक कीजिए, लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। जनवरी 1905 बोलेश्वर क्रांति, फरवरी 1919, नवंबर 1917 एक डी बी ऑप्शन है, मई 1919 ईस्वी। तो देखिए, इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर मिलाएंगे सी हो जाएगा, नवंबर 1917 में आपका बोलेश्वर क्रांति हुई, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका कहता है कि समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है। बहुत ही मस्त प्रश्न है, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है, नागरिक समानता, कानूनी समानता, राजनीतिक समानता या आर्थिक समानता। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर जो होगा ना समाजवादी दर्शन, कमेंट कीजिए फास्ट, आर्थिक समानता बिल्कुल सटीक और 100% राइट आंसर है ना। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है, तो आर्थिक समानता पर। अगला प्रश्न देखिए, नंबर 6 है ना, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलती हैं, अरे अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। सोवियत संघ का गठन, विघटन यानी कि विनाश कब हुआ। 4 ऑप्शन से आपके पास गिवेन है, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे शेर और शेरनी हो। चलिए, इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर 6 का डी, 1991 ईस्वी हो जाएगा, सोवियत संघ का विघटन जो है 1991 में हुआ था। 7 नंबर प्रश्न देखिए, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की। बहुत ही मस्त प्रश्न है ना, वर्ग संघर्ष सिद्धांत। तो देखिए, ये सब आपका बिल्कुल सटीक आंसर सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है, आप लोग वीडियो को जो लोग अभी तक शेयर ना किए हैं प्लीज़ सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए, है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत दिन से आप लोग का फरमाइश था कि सर SST का क्वेश्चन लाइए, तो आज हमने SST लाया है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे, फ्रांसीसी, जेनरल, कोलोन या वियतनामी। चलिए बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए, देखेंगे हम अरे किसमें है कितना दम। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, कोलोन। 9 नंबर प्रश्न देखिए, है ना, 9 नंबर आपका प्रश्न है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना। बहुत ही VVI प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। 4 ऑप्शन है, मुंबई, डांडी, सूरत और दिल्ली। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस प्रश्न में आपका बिल्कुल बी सही है, डांडी। ठीक है, जिनका भी कमेंट में डांडी है बिल्कुल डांडी वाले राइट आंसर है। 10 नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 10 आपका कहता है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब और कहाँ हुआ। 1922 ईस्वी में मुंगेर, 1929 ईस्वी सोनपुर, 20 बिहार और 36 लखनऊ। तो 10 नंबर प्रश्न का देखो मेरे प्यारे शेर और शेरनी, इसका बिल्कुल राइट आंसर डी होगा, 1936 ईस्वी लखनऊ, है ना। चलिए अगले प्रश्न 11 नंबर देखिए, 11 आपका प्रश्न है कि बिहार के चौकीदारी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। गंगा प्रसाद राय, पीर अली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
तो इस प्रश्न में आपका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा, गंगा प्रसाद राय, बिहार की चौकीदारी आंदोलन करें तो गंगा प्रसाद राय ए सही है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 आपका कहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के कब और किस अधिवेशन में पारित हुआ। 1929 ईस्वी लाहौर, 33 में कलकत्ता, 31 ईस्वी कराची, 1924 ईस्वी में बेलगांव। जल्दी से बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए हम आपको राइट आंसर बताते हैं, 1900 है ना, इसका राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा, 1929 ईस्वी लाहौर, 12 का ए बिल्कुल सही जवाब। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम बढ़ते हैं। 13 आपका क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, कोलकाता। जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा, चंपारण। चंपारण वाले सभी स्टूडेंट राइट आंसर है, जिनका भी कमेंट में चंपारण है ना, बिल्कुल सटीक। 14 है, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ, बहुत अच्छा प्रश्न। 1920 में, 1926 में, 25 या 1930। 14 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सटीक आंसर देखेंगे हम किसमें है कितना दम एवरीवन। चलिए देखिए इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी, 1926 ईस्वी है ना, मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ, 1926। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राउरकेला लौह इस्पात जो है उद्योग कहाँ पे है, उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल। देखेंगे हम किसमें है कितना दम। चलिए मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग मिलाएंगे, इसका बिल्कुल सटीक आंसर आपका ये हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा वाले सभी लोग राइट आंसर है। सभी लोग जो लोग अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया है, प्लीज़ एवरीवन लाइक कीजिए, आपकी लाइक हमारी हौसला को बढ़ाता है। 16 नंबर प्रश्न, मेगा हस्तनीज ने पाटलिपुत्रा की यात्रा किसके शासन में काल में किया था, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय या हर्षवर्धन। जल्दी से बताइए। चलिए दोस्तों हम आपके इसके राइट आंसर से रूबरू कराते हैं, इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के है ना, चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल सही जवाब। 17 है कि प्राचीन काल में किस मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, सूती मार्ग, रेशमी मार्ग, उत्तरी पथ या दक्षिणी पथ। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा रेशमी मार्ग से है ना, जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में भी है बिल्कुल सही है। आगे 18 देखिए कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था, अनुबंधित मजदूर, रोमियो को, छिपकली को, अंग्रेज को। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का आपका हम बताते हैं राइट आंसर, गिरमिटिया जो है ना, जो भी मजदूर गुलामी के दास्ता में बंधे रहते थे उन्हें हम गिरमिटिया मजदूर कहते थे, यानी कि अनुबंधित मजदूर, यानी कि उसको अपना काम खाली करना है उसके बदले खाना पीना मिलेगा बस, इसी को अनुबंधित मजदूर कहते हैं ना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट नंबर 19 कि 1922 ईस्वी में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया, गांधी जी ने, जिन्ना ने, के एम पनियंकर, नेहरू। बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। चलिए दोस्तों हम इसके राइट आंसर बताते हैं, इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर सी होगा, के एम पनियंकर। के एम पनियंकर ने 1900 हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किया था, ठीक है। 1929 ईस्वी में के एम पनियंकर ने हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किया। अगला प्रश्न 20, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, बहुत बार ये प्रश्न हम पूछ चुके हैं आप लोग से, चीन हो जाएगा, जर्मनी, जापान या रोम, बताइए तो क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए इस प्रश्न का आपका बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा चीन है ना, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, चीन में, ठीक है ना, चीन वाले सभी स्टूडेंट राइट आंसर है। 21, भारत में मुख्य रूप से कितने तरह की मिट्टियाँ पाई जाती है, बहुत अच्छा प्रश्न, 3, 5, 8 या 6, बताइए तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा एवरीवन। देखेंगे हम किसमें है कितना दम, जल्दी चलिए मिलाएंगे आप लोग। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर सी होगा 8, 8 तरह की मिट्टियाँ पाई जाती है, जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में 8 है, 8 वाले बिल्कुल करेक्ट है। 22 नंबर देखिए आपका प्रश्न कहता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, पंजाब जो है उसमें भूमि निम्नीकरण जो होता है उसका मुख्य कारण क्या है, वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई या गहन खेती। देखिए इसमें है कि भूमि को जो निम्नीकरण का मतलब कि छोटा छोटा भूमि बनाना, तो इस छोटा छोटा भूमि बनाने का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई करना है ना, वहाँ पे सिंचाई की ज़्यादा जरूरत होती है, सी इज राइट आंसर। 23 नंबर है देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, रिहंद बांध, हीराकुंड बांध, भाकड़ा या नरौदा। चलिए इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा, भाकड़ा नंगल बांध से, ठीक है,
भाखड़ा नंगल बांध इज राइट आंसर। 24, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, यानी सबसे ज़्यादा जंगल हैं? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। जल्दी फास्ट रिवीजन परीक्षा से कर लो तैयारी, तुम्हें टॉपरों की लिस्ट में आना है। इसका बिल्कुल सी राइट आंसर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। 25 नंबर प्रश्न देखो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संसाधन, इनमें से कोई नहीं। 25 का राइट आंसर बताओ मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। चलिए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ये जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही है। 50+ प्रश्न आज पूछेंगे, है ना। आज आपकी तैयारी का आकलन हो जाएगा कि SST में कितनी तैयारी है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या लोहा, जल्दी से बताओ मेरे शेर और शेरनियों। चलिए सीमेंट उद्योग का एकदम बिल्कुल सही जवाब आपका ए, चूना पत्थर। जिनका भी कमेंट में बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब। 27 है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल डिगबोई, झरिया, घाटशिला या जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल बताना है। चलिए इसका बिल्कुल डी हो गया, डी वाले बिल्कुल बिल्कुल ठोको लाइक, लाइक ठोको, लाइक रुकना नहीं चाहिए दोस्तों, लाइक ठोको। 27 प्रश्न हो चुका है, जो लोग अभी तक लाइक ना किए प्लीज़ लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। ज्वारीय तरंग ऊर्जा का उत्पादन तो अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी में, खम्बात की खाड़ी में, गंगा नदी में और कोसी नदी में? चलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका बी हो जाएगा, खम्बात की खाड़ी। बी वाले एकदम सही है। निम्नलिखित में खरीफ फसल, खरीफ, खरीफ फसल बताइए जल्दी, गेहूँ, सरसों, धान, मटर, खरीफ, खरीफ जल्दी दोस्तों, खरीफ। हाँ चलिए सी सही है, चावल, चावल धान एकदम खरीफ फसल है। यह आप लोग को रेलवे SSC में भी काम करेगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न। 30 नंबर, उजला सोना किस फसल को, जल्दी धान या जूट, कपास, गेहूं, जल्दी बताइए उजला सोना किसको कहते हैं, जल्दी दोस्तों जल्दी। वीडियो को शेयर करते रहिए, कपास जो लोग भी शेयर ना किए शेयर कर दीजिए, कपास बिल्कुल सही है। और जो लाइक ना किए वो लाइक भी करो दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न। सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी या जूट वस्त्र, बताइए कौन सा ऐसा फसल है जो कृषि पर आधारित नहीं है। बिल्कुल सही जवाब आपका बिल्कुल बी हो गया, सीमेंट जो है कृषि पर आधारित नहीं है। 32 नंबर, भोपाल त्रासदी में किस गैसकार है ना, इसको MBBI कह लीजिए, ये क्वेश्चन MBBI है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है और आगे भी इसको पूछने की चांस है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, इनमें कोई नहीं। चलिए चलिए जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर सी, हाँ सी वाले एकदम बिल्कुल सही है, मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल त्रासदी में गैस का रिसाव हुआ था, सी बिल्कुल सही। चलिए 33 नंबर, बहुत अच्छा प्रश्न आ चुका है, ग्रैंड ट्रैक रोड की स्थापना किसके द्वारा किया गया, अकबर, औरंगजेब, शेरशाह सूरी, अशोक, बहुत मस्त प्रश्न, जल्दी ठोकिए इसका आंसर। चलिए इसका सी वाले एकदम सही है, शेरशाह सूरी सी लगा लीजिए, इसका बिल्कुल सी सही है, सी लगा लीजिए। हाँ आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न, सी हो गया ना 34। देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक जाती है, इलाहाबाद से पटना, इलाहाबाद से कानपुर, इलाहाबाद से दिल्ली, इलाहाबाद से हल्दिया, जल्दी बताइए जो जलमार्ग संख्या 1 है कहाँ से कहाँ जाती है। चलिए हम बताते हैं, इसका लगाएंगे टिक, डी, डी एकदम सही हो गया, इलाहाबाद से हल्दिया है ना, ई, इसका आंसर ई है, मतलब इलाहाबाद से हल्दिया। चलिए अगला क्वेश्चन एकदम इजी प्रश्न आ चुका है, संजय गांधी जैविक नगर किस राज्य में है, किस नगर में स्थित है, मतलब राजगीर, बोधगया, प्यारसरी, पटना, ये तो इजी है, धांसू, मतलब कि इसमें कुछ मतलब है ही नहीं और सब स्टूडेंट बिल्कुल सही देंगे और डी सही हो जाएगा, डी टिक कर लीजिए, पटना, पटना वाले बिल्कुल सही है, पटना, पटना आपका सही होता है। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखो मेरे शेर और शेरनियों, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग अभी तक लाइक ना किए हैं वीडियो को लाइक कर देंगे, आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। अरे परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। कुछ करना है तो अभी कर लो मेरे दोस्तों, फिर ये वक्त ना आएगा है ना, फिर तुम पछताओगे कि हमने क्यों नहीं पढ़ा है ना। तो मेहनत कीजिए, सफलता आपकी कदमों को चूमेगी। बिहार की कृषि निम्नलिखित में कौन सी समस्याओं से जूझ रही है, बहुत अच्छा प्रश्न,
मृदा अपरदन, खराब बीज, छोटे खेत, इनमें से सभी। जल्दी दोस्त बताओ इसका राइट आंसर। चलिए चलिए, इसमें तो आप लोग सभी मार रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब आ गया है डी। यही कारण है, खराब बीज, मृदा अपरदन, छोटी खेत। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न आपका हो गया कि बिहार में खाद का कारखाना कहाँ है। ये भी प्रश्न इस बार पूछा था 2021 बोर्ड एग्जाम में कि बरौनी में, मुंगेर, रोहतास या डालमिया नगर। जल्दी से बताओ मेरे शेर और शेरनी हो। चलिए आइए इसका आंसर बताते हैं। बरौनी वाले बिल्कुल सही है, बिहार में खाद का कारखाना बरौनी। ये एकदम बिल्कुल सही। आगे 38 प्रश्न है कि चूना पत्थर का मुख्य रूप से किस उद्योग में काम आता है। सीमेंट उद्योग, लोहा उद्योग, शीशा उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो ठोक लीजिए, इसका राइट आंसर आपका ये होता है दोस्तों, सीमेंट उद्योग। बिल्कुल सीमेंट उद्योग, जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही जवाब। पढ़िए आगे बढ़िए, एकदम पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय 39 में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर। उड़ने के लिए बना हूँ, उड़कर दिखाऊंगा, कोई लाख काटे पर फिर भी उड़ता चला जाऊंगा। बिल्कुल सही जवाब हाजीपुर वाले, सभी लोग राइट आंसर है बी। 40 कहता है कि बिहार में प्रथम फूड पार्क कहाँ पर स्थापित करने का प्रस्ताव है। बहुत ही मस्त प्रश्न है, हाजीपुर, भागलपुर, पटना और गया। गया, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इस प्रश्न में टिक कर लीजिए, ए बिल्कुल ए वाले एकदम सही है, हाजीपुर प्रथम फूड पार्क। याद रखिएगा, प्रथम फूड पार्क हाजीपुर। हाजीपुर बिल्कुल सही। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 41 कि बाढ़ आ जाने पर लोगों को निम्नलिखित में किस स्थान पर शरण लेना चाहिए। खेत में, घरों में, गांव के बाहर, ऊंचे स्थानों पर, मचान पर। जल्दी बताइए बाढ़ आ जाए तो क्या करना चाहिए। जल्दी मेरे दोस्तों ठोको इसका आंसर। चलिए दोस्तों हम आपके इसके राइट आंसर बताते हैं, गांव के बाहर ऊंचे स्थान पे। बिल्कुल सी वाले, जिन भी स्टूडेंट का कमेंट है बिल्कुल सही जवाब। 42 बढ़ते हैं आगे। सभी लोग एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी अभी तक वीडियो को लाइक ना किए हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। मानव शरीर में आग जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर पहला उपचार यानी प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। ठंडा पानी डालना, गर्म पानी डालना, अस्पताल पहुंचाना, इनमें से कोई नहीं। आपकी क्या राय है जल्दी बताओ। चलिए दोस्तों इसका आंसर आप लोग मिलाएंगे, इसका बिल्कुल ठंडा पानी डालना चाहिए। ए टिक कर लीजिए, बिल्कुल सही जवाब। 43 सुनामी किस स्थान पर आता है। जल्दी बताइए सुनामी किस स्थान पर आता है। जल्दी मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर ठोको। चलिए हम आपके इसके राइट आंसर, स से सुनामी, स से समुंदर, बी इसको टिक कर लीजिए। जिनका भी साथी का कमेंट बी है, जिन भी मेरे प्यारे रसगुल्ले, शेर और शेरनियों का ऑप्शन बी है बिल्कुल सही है। 44 चलो 44 में सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है। प्राकृतिक है, मानवीय, सामान्य, इनमें से सभी। जल्दी इस प्रश्न का राइट ठोको मेरे दोस्तों, आंसर राइट ठोको जल्दी से। चलिए इस प्रश्न में आपका जल्दी टिक करते हैं, प्राकृतिक हो जाएगा बिल्कुल। बहुत सारे स्टूडेंट ए नंबर टिक कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कहता है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। 10%, 15, 33 या 50। 45 का राइट आंसर ठोको। जब 15वां लोकसभा चुनाव नहीं हुआ उससे पूर्व, उससे पहले कितनी भागीदारी थी। तो इस प्रश्न में ए टिक कर लीजिए, 10% ही भागीदारी थी, बिल्कुल ए सही जवाब। आगे बढ़िए 46, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, राज्य के द्वारा खास धर्म मानने पर जोर, इच्छा अनुसार व्यक्ति धर्म मानने पर स्वतंत्र, उपयुक्त कोई नहीं। दोस्तों धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का मतलब कोई धर्म नहीं है, आप लोग जिसको जो करना है। तो ए बिल्कुल सही है, बी और सी और डी नॉट इज राइट आंसर। 46 का ए। 47 देखिए दोस्तों, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। बहुत मस्त प्रश्न है, वित्तीय राजधानी। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताओ मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए इस प्रश्न में आपका बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा, मुंबई वाले आप लोग राइट आंसर है मुंबई। और देखिए आगे 48, 73वां संविधान संशोधन किसके द्वारा संबंधित है। नगर पालिका, पंचायती राज, राजभाषा, इनमें से कोई नहीं, बताओ मेरे शेर और शेरनियों। 48 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। चलिए हम इसके राइट आंसर बताते हैं, बिल्कुल सही जवाब पंचायती राज से संबंधित है। 48 का भी बिल्कुल सही जवाब। आओ 49 नंबर,
राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू हुआ? 12 मई 1950, 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947 ईस्वी में? जल्दी से 50+ प्रश्न है आज। चलिए इस प्रश्न में हम आपको राइट आंसर बताते हैं। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 ईस्वी। बिल्कुल भी सही है, 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ और इसी राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर सभी राज्यों को भाषा के आधार पर अलग अलग बांटा गया। याद रखिएगा, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ। आगे देखिए 50, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, और देखिए हम आपको इसका टिक कर लीजिए, ये बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान। ठीक है, 51 नंबर, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? पटना में, मद्रास, चेन्नई में, नागपुर में, बम्बई? बताइए 51 का राइट आंसर क्या होगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और जीत मिलेगी यकीनन, और जीने का मजा भी आएगा। बिल्कुल 51 में 20 सही है, मद्रास चेन्नई वाले सभी लोग राइट आंसर। जल्दी दोस्तों आप लोग 52 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, यानी कि राष्ट्र स्तर पे काम नहीं करता है, आपको बताना है। तो इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब आप लोग को कमेंट कीजिए 52 के। देखिए राष्ट्र स्तर पे भाज है ना, राष्ट्रीय दल है, सॉरी दल है पूछा है, तो इसमें भाजपा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भाजपा जो है राष्ट्रीय दल है। आगे देखिए 53 नंबर, बिहार में संपूर्ण जो क्रांति हुई थी उसके नेता कौन थे? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण? जल्दी मेरे दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर बताओ। चलिए इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सटीक और 100% राइट आंसर 53 का डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के नेता थे। 54 नंबर प्रश्न, आंसर बताइएगा, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक दल के कार्य हैं? चुनाव में भाग लेना, जनमत निर्माण करना, सरकार बनाना, इनमें से सभी? 54 का राइट आंसर, देखेंगे हम किसमें है कितना दम, एवरीवन जल्दी। चलिए इसका टिक कीजिएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर सभी हो जाएगा डी। 55, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, 7 गो 8 गो 9 गो या 8 गो? 8 2 2 ऑप्शंस आ गए हैं, और आप लोग समझ गए हैं, हाँ जिनका भी 8 है यानी बी या डी वो सही है ना, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। 56 और 57 लास्ट के दो प्रश्न है। देखिए 56 नंबर कहता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या उपराष्ट्रपति? चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ठोकिए, बिल्कुल ए हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति वाले सभी लोग राइट आंसर है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद एक प्रश्न आप लोग को जो मिलता है, जो आप लोग को कमेंट करके बताना होता है, जो बताते हैं उनका अगले वीडियो में नाम आता है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 50%, 25% और 33%, इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताओ मेरे शेर और शेरनियों। चलिए इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब राइट आंसर ये हो जाएगा 50%। तो अब दोस्तों आ गया है समय आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न आपको क्या है और कौन लोग सबसे पहले इसके राइट आंसर बताएंगे वो देखते हैं। तो आज का देखिए दोस्तों प्रश्न है ना, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और कौन इसका राइट आंसर देंगे कमेंट करके बताना होगा, इसमें नहीं उसमें कम है ना, बताना है आपको लोकतंत्र, ठीक है ना। आज का प्रश्न यह है, आज का प्रश्न नाम से जाना जाता है, आज का प्रश्न आपको देना है इस प्रश्न का जवाब, लोकतंत्र, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, जनता के लिए शासन है, यह जो कथन है किनका है आपको कमेंट में बताना है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किन्होंने प्रस्तुत किया, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। और आपकी वो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने साथियों में ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का जो बेल आइकन होता है जिसको भोजपुरी में घंटा या घंटी कहते हैं उसको क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो डालूँ ना तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, और आपको मस्त ऑनलाइन मस्त क्लासेस जो है टॉपर बनाने के लिए डिजाइन लगाए हुए है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, जीत मिलेगी यकीनन और जीने का मजा भी आएगा। अरे मैं कहाँ हूँ, तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज है,
और मुझमें जो बोलता है ये तेरी आवाज़ है कहूँ तो है नहीं, नहीं कहूँ तो है, इस है ना है के बीच में कुछ ना कुछ तो है। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब नहीं रुकना चाहिए, आपके हवाले मेरा चैनल साथियों, फिर मिलेंगे एक शानदार धमाकेदार और आप सबको मोटिवेट करते हुए एक शानदार और धमाकेदार वीडियो लेकर फिर मैं आऊँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ऑनलाइन मस्त क्लासेस के साथ बने रहिए और अदर वीडियो जो यूट्यूब पर डाला गया है उसका लुत्फ उठाइए और अपनी तैयारियों को मुकम्मल करके एक इतिहास रच दीजिए, यही मस्त क्लासेस की दिली कामना है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।